जाएंगे और उसको देख लीजिए। सॉफ्ट टच का सोप इंजेक्शन या कोई भी ले लें। आटा चाहिए गंदम का, आपको ठंडा पानी चाहिए और जलन ब्लीच क्रीम चाहिए। अगर आपके पास जलन ब्लीच क्रीम नहीं है तो आप कोई भी ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करती है वो ले सकते हैं। इसका साशे ले लीजिए। चलिए जी बनाते हैं। किस तरीके से आपने इसको बनाना है, कितनी देर रखना है कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, बल्कि डबल रिजल्ट मिले। आप एक से डेढ़ चम्मच आटे का ले लें। अगर आप अपने चेहरे पर भी अप्लाई करना चाहती हैं तो दो चम्मच ले लें और साथ में हाथों पांव पे भी आपकी अप्लाई हो जाएगा। अगर सिर्फ चेहरे पर आपने करना है तो आधा चम्मच आटे का ले लीजिए। अब मैं यहाँ डेढ़ चम्मच अगर आटे का लिया है तो इसमें हम ब्लीच का करीब एक चम्मच जो है वो शामिल करेंगे। इसमें से दो चम्मच ब्लीच के आपके निकल आएंगे टी स्पून। ये आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देती हूँ। दो टी स्पून निकलेंगे, आपने एक इसमें शामिल करना है ये चेहरे के लिए हम तैयार करें। अगर आप हाथों पांव पे या बाथरूम पे करना चाहती हैं तो पूरा पैकेट ब्लीच का डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें पहले ब्लीच पाउडर और आटे को। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालें और बहुत ज्यादा पतला मत करिए क्योंकि अभी इसमें क्रीम भी शामिल होनी है ब्लीच की। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम ब्लीच की जो क्रीम है जो साशे में साथ मिलती है वो इसमें मिला देंगे। इसलिए हमने पानी कम डाला था। अगर हम पहले इसको पतला कर लेंगे तो ब्लीच क्रीम डालने से इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी जो कि अप्लाई करने में मुश्किल रहेगी। अच्छा जी, इसमें क्रीम भी हमने शामिल कर दी है। अब तमाम चीजों को हमने यकजान करना है अच्छी तरह से और आपकी ये ब्लीच क्रीम तैयार होगी। देखने में हमने सिर्फ इसमें आटा मिलाया लेकिन इसका फायदा हमें ये होगा कि आपके बाल इससे गोल्डन नहीं होंगे। हालांकि ये ब्लीच क्रीम है जो जिसका काम ही बालों को गोल्डन करना है लेकिन आपके बाल गोल्डन नहीं होंगे। और थोड़ा सा इसमें सूथिंग लोशन हम मिलाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो में बता रही हूँ, कोई सा भी आप व्हाइटनिंग लोशन जो है वो 4 से 5 ड्रॉप सिर्फ मिला लीजिए। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करिए और इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने लाजमी इसका टेस्ट ले लेना है, बाजू पे ले लें अपनी, ठीक है, और चेक करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई जलन वगैरह महसूस हो तो इसको ना इस्तेमाल करें, जबकि इससे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। इसका सीक्रेट ही यही है कि आटे को शामिल करने से एक तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा, आपकी स्किन अगर थोड़ी बहुत सेंसिटिव भी है तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं चलेगी। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ठंडा बर्फ वाला पानी हमने इसमें शामिल किया वो बेहतरीन रहेगा इसमें। और ब्लीच पाउडर कितना इस्तेमाल करना है मैं दिखा दूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेती हूँ। आप देखते हैं कितनी मिकदार में आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करिए और मैं बाकी बाजू और हाथों में भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है मैंने। आपने देखा होगा मैंने अपने बाजुओं पे भी अप्लाई कर लिया, अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लिया। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए लगा रह रही थी। अगर आप चेहरे पर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको जो है वो आपने सिर्फ 15 मिनट देने। अगर आपने बाजुओं पे, हाथों पे या पाँव पे अप्लाई किया तो 30 मिनट लगा रहने थे, ठीक हो गया जी। 30 मिनट लगा रहने देने के बाद आपने इसको जब चेक करना है तो आपने देखना है कि ये ड्राई हो चुका होगा। फिर आपने अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से रगड़ के उतारना है। लेकिन इतनी मतलब सख्त हाथ इस्तेमाल ना करें कि आपके रैशेज हो जाएं या आपकी जीव जो है वो खराब हो जाए, स्किन या रेड हो जाए। हल्के हाथों से इसको उतार दीजिए ताकि जो डस्ट मिट्टी है वो भी इसके साथ रिमूव हो जाए, निकल जाए और आपकी स्किन एकदम से फ्रेश हो जाएगी। बस इसको ठंडे पानी से आपने धो देना है और अच्छी तरह से बाद में ठंडे पानी से इसे फिर धो लीजिए। और 1-2 मिनट के बाद आप कोई सोथिंग लोशन या कोई भी लोशन आपके पास है, या एलोवेरा जेल है या रोज वाटर है या कच्चा दूध है, उसे अपनी स्किन पर लगा लीजिए बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो मैंने 30 मिनट के बाद इसको वॉश कर दिया है जिसका रिजल्ट आपके सामने है। ये एक दफा के इस्तेमाल करने से इतना शानदार रिजल्ट मुझे मिला है। इसके दिनों में इससे तकरीबन 2-3 दिन पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे पर, हाथों पांव पे। लेकिन इससे पहले 2-3 दफा अगर आप इसको दोहरा लें, इस दौरान में रेमेडी आप यूज करती है उबन वगैरह, तो उसका रिजल्ट जो है वो 4 गुना हो जाएगा और आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी कि आपके लिए इनके दिनों में रेस से पहले और बाद में जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगी। आप डिनर पसंद किया होगा हमेशा की तरफ। तो वीडियो हमारी हो चुकी है खत्म और इसको ये मैं बता दूँ कि आप कितने दिनों बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 बार धो रहा हूँ, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब है तो आप हफ्ते में 2 बार धोरा लें। अदरवाइज आपकी अगर स्किन नॉर्मल है, क्लियर है, ऑलरेडी कलर आपका या बहुत ज्यादा दाग धब्बे नहीं है हाथों पे या चेहरे पे, तो आप हफ्ते सिर्फ 1 बार इसे धो रहे हैं, ठीक हो गया जी। चेहरे पर इस्तेमाल करने के लिए कितना पाउडर लेना है वो भी आपको बता दिया हुआ है और आपको पाँव के लिए कितना पाउडर लेना है वो भी बता दिया। अपनी गर्दन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलते अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें आपको ये कहना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर मीठी जुबान वाला अपनी जुबान की तरह अच्छा और मुखलिस हो।
सच्चे हमदर्द लोगों की लहजे अक्सर तलख और तबीयत गुस्से वाली होती है। इस बात पे गौर करिएगा और अपने आसपास ध्यान भी दौड़ाइएगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग पाए जाते होंगे। तो इसमें अक्सरियत का जिक्र किया गया, ये सबके लिए नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। इससे कि आप खुद भी समझ पा रहे हैं, आपको भी पता होगा और आपकी ये उम्मीद आसानी रही होगी उसको समझने में। या बहुत सारे लेसन हमें देखा जाए, छोटे से लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे माशाल्लाह से तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी काफी इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं बात को। तो चलिए जी, वीडियो काफी लंबी होगी, अब टाइम है इजाजत देने का। और उससे पहले नए ट्रेंड से रिक्वेस्ट, जिन्होंने पहली दफा वीडियो देखी है, पहली दफा चैनल पे है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। आपका इससे कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए अभी वीडियो के नीचे देखिए सूरज कलर का बटन है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, क्लिक करें। उसके साथ एक बेल का बटन बनेगा, उसे भी क्लिक करें, उससे आपको नई वीडियो का पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।